गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके स्वागत है आपको हमारे चैनल दिस में। मैं हूं सर बेसानी, डिस्कस करेंगे IASbaba के डेली करंट अफेयर्स प्रीलिम्स और मेंस फोकस के लिए 18 जुलाई 2020 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मोबोक्रेसी के बारे में। अब मोबोक्रेसी क्या होता है, तो देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पे ये समझना होगा कि पहले यहाँ पे इसके लिए ये समझना कि मॉब क्या होता है। मॉब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इधर से उधर घूमता है, कोई एक स्पेसिफिक माइंडसेट लेकर कि ये काम करना है, तो उसको मॉब बोलते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कुछ गलत ही हो, सही भी हो सकता है, मॉब उसको कहते हैं। अभी मैं बोला कि जो मोबोक्रेसी है कि यहाँ पे क्या होता है कि मासेस के अकॉर्डिंगली रूल हो रहा है या फिर हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब न्यूज़ में क्या चल रहा है कि सुप्रीम गवर्नमेंट ने बोला है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गवर्नमेंट को कि आप लोग नए लॉज बनाइए। नए लॉ क्यों बनाइए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि जो ये नए लॉज किसके ऊपर होना चाहिए, तो कुछ सेल्फ अपॉइंटेड ग्रुप्स हैं जिसको ये मॉब यहाँ पे कहा जा रहा है, तो वो लोग क्या करें कुछ विजिलेंट अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा अटैक हो रहा है जो कि ग्रुप लोग मिलकर एक स्पेसिफिक माइंडसेट लेकर के कर रहे हैं, कुछ अटैक्स हो रहे हैं किसी स्पेसिफिक माइनॉरिटी के ऊपर या फिर कुछ स्पेशल कास्ट के ऊपर, तो वहाँ पे ये हो रहा है। यहाँ पे और भी यहाँ पे ये बोला गया है कि बहुत बड़ा ड्यूटी है, ठीक है, गवर्नमेंट का कि हम लोग को जो गलत जो अनरूली जो एलिमेंट्स है हमारे सोसाइटी के और जो भी लाइंचिंग हो रहा है, गलत लाइंचिंग हो रहा है, विजिलेंटिज्म हो रहा है, तो उससे हम लोग को बचाना जो गवर्नमेंट है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे ये भी बोला गया कि हम लोग जो लॉज जो है जो ये मॉब अपने हाथ में ले लेते हैं, तो उसको हम लोग उनको बार बार नहीं लेने दे सकते, ये गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये बोला गया कि जो स्पेशल लॉज है इससे होगा क्या, तो स्पेशल लॉ क्या करेगा, फियर क्रिएट करने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी बोला है कि अगर आप बहुत समय से देखिएगा, हम लोग जो पहले सोसाइटी से स्टार्ट हुई थी, तभी से देखिएगा कि जब से फियर ऑफ लॉ आया, जब से क्या हुआ कि लोग जो है लॉ से डर रहे हैं और लॉ को ऑनर कर रहे हैं, तभी से देखिएगा कि जो सिविलाइज सोसाइटी है वहाँ से चालू हुआ है। अब यहाँ से ये बोला गया कि लैंचिंग का जो केसेस है वो ऑफकोर्स फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में होना चाहिए, यहाँ की 6 महीने के अंदर इसका जो भी सेंटेंसिंग है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर राइजिंग इंटॉलरेंस के बारे में थोड़ा बात करेंगे। यहाँ पे क्रिटिक्स का ये कहना है कि जब से बीजेपी आई है तो वो लोग मॉब को हेल्प कर रही है। यहाँ पे ऐसा बोला है कि कोइंसिडेंस भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी जो है हेल्प करी इन लोग को। अब यहाँ पे क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि जब से बीजेपी आई है, यहाँ पे लिखा नहीं वाला कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि टोटल जब जितने भी मॉब लिंचिंग केसेस होते हैं उसमें से 97% ऑफ केसेस तब के हैं जब से बीजेपी पार्टी मतलब यहाँ पे मेजोरिटी में आई है। अब उसके अलावा भी और कुछ है यहाँ पे, और क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे ये जो सिचुएशन है यहाँ पे ये हो रहा है कि हम लोग का जो इतना साल से हम लोग जो टॉलरेंस का जो भावना दिखा रहे थे, हम लोग जो टॉलरेट करना जो सीखे हैं, देखिए टॉलरेंस से क्या होता है कि हम लोग का इतना बड़ा कल्चर है, इतना सारा कल्चर हम लोग मिलकर साथ में रहते हैं, अगर लोग टॉलरेट करके नहीं चलेंगे तो ये जो कल्चर्स है साथ में नहीं रह पाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग टॉलरेंस का जो भावना उसको भूल जाते हैं तो क्या कल्चर जो आपस में लड़ते रह जाएंगे और इस कल्चर को बचाया नहीं जा पाएगा। यहाँ पे और भी कुछ कहा जा रहा है कि ये जो मॉब्स है वो किस तरह से मतलब ताकत में ले जाते हैं, तो यहाँ पे ये होता है कि फेक न्यूज़ क्रिएट किया जाता है, कुछ खुद का मोरालिटी होता है यहाँ पे, कुछ फॉल्स स्टोरीज क्रिएट की जाती है, और फिर ये जो है ये मॉब्स को अगर नहीं रोका गया ना तो इस तरह से क्या होगा कि एक जो भारत है उसको ख़त्म कर देगा ये जो मॉब्स है। अब RTI बिल के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। RTI बिल क्या है 2018 का वो देखेंगे। वैसे हम लोग कल बात किए हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी आज बात करना ज़रूरी है। यहाँ पे ये बातें की जा रही है कि न्यूज़ में पहले क्या चल रहा है वो देखेंगे। न्यूज़ में ये चल रहा है कि अब सेंटर के पास पावर होगा कि वो लोग जो टेन्योर होता है और जो सैलरी होता है किसका, स्टेट और सेंटर इन्फॉर्मेशन कमीशन का, तो उसका सेट कर पाएंगे। मतलब आप कितना साल तक काम कीजिएगा आपको कितना सैलरी होगा, तो वो जो वो सेट किया जाएगा, किसका सेट किया जाएगा, स्टेट और सेंटर का इन्फॉर्मेशन कमीशन का। अब लोग देखेंगे कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन क्या होता है उसके बारे में पहले यहाँ पे ये जान लेते हैं। उसके बाद और भी है कि जो दूसरा जो पार्टी जबो लोग अपोज कर रही है ये बोल रही है कि इससे क्या होगा, राइट टू एक्ट जो है, सॉरी राइट इन्फॉर्मेशन जो है उसका जो है डिल्यूशन हो जाएगा, वो उतना ताकतवर नहीं रहेगा। अब थोड़ा फास्ट ट्रिक आप यहाँ पे देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, वैसे तो सब कुछ कल ही डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो RTI का एक अमेंडमेंट लेके आई है, अभी इस साल वो होगा, तो RTI एक्ट जो 2005 का है तो उसके बाद अमेंडमेंट किया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन के लिए, कंसिडरेशन और पासिंग के लिए यहाँ पे ये सब चीज़ें सीक्रेट रखा गया है, अभी सबको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या है, मतलब इसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट होने वाले, किसी लोग को पता नहीं है, कुछ लेजिस्लेटिव के लोगों को नहीं पता है, सब गवर्नमेंट को ही यहाँ पे सब कुछ पता है, उसके बाद किसी को नहीं पता है। डू यू नो में देखेंगे कि अभी देखिएगा जो ICA मतलब इन्फॉर्मेशन जो कमीशन है उसका जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, और यहाँ पे जो सैलरीज है वो जैसे इलेक्शन कमिश्नर का होता है वैसे ही जो IC मतलब इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है उतना ही सेम होता है। अब ये बोल रहा है कि अमेंडमेंट जो आया है वो इसी चीज़ को चेंज करेगा, मतलब इन लोगों का जो IC का जो टेन्योर है और जो IC का जो पे है तो वो चेंज होगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलता है, हम लोग क्यों ऐसा करना चाहते हैं,
तो ईसी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, मतलब जो इलेक्शन कमीशन गया वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ कि वैसा करना है। और आईसी मतलब इन्फॉर्मेशन जो कमीशन है, तो वो क्या करता है, वो अपना पावर डिराइव करता है एक एक्ट से जो कि आरटीआई एक्ट है, तो एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। लेकिन दोनों में आप देखिएगा कि जो पे था दोनों का और दोनों जो टेन्योर था वो सेम था, जहाँ पे जब मैंडेट अलग है दोनों का, जब दोनों का बनावट अलग है, तो दोनों का पे और जो टेन्योर है वो सेम क्यों होना चाहिए? तो इसमें कुछ चेंजेस का ज़रूरत है, ऐसा गवर्नमेंट को मानना है। अब थोड़ा सीआईसी के बारे में जानेंगे, तो सीआईसी क्या होता है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, तो ये आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे ये होता है कि ये इसका काम क्या है, तो बहुत कुछ दिया हुआ है, इसका बेसिक काम मैं आपको समझा देता हूँ। इसका काम ये है कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई इंसान है वो आरटीआई जब मांगने जाता कोई भी पुलिस मतलब कोई भी ऑफिसर से, ठीक है, यहाँ पे कौन होता है, असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है, जिससे कोई भी आरटीआई के लिए हम लोग फाइल करने जाते हैं। तो वहाँ पर फाइलिंग के लिए अगर ऑफिसर वहाँ पर अपॉइंटेड ना हो या फिर वो लोग एप्लीकेशन लेने से मना कर दे, तब हम लोग जो कंप्लेन है वो लेकर के सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हम लोग जाते हैं। तो ये है, इतना सब कुछ में दिया हुआ है। उसके बाद अभी जो ट्राइब है, आज कम्युनिटी में जो डिस्कस करेंगे ट्राइब एंड कम्युनिटी, तो वो हमें ब्रू कम्युनिटी के बारे में बताया गया। ब्रू कम्युनिटी को हम लोग 2 या 3 दिन पहले भी डिस्कस किए, ब्रू कम्युनिटी क्या होता है, फिर से एक बार देखेंगे। तो ब्रू जो है वो मिजोरम से भाग गए थे 1997 में, वहाँ पे एक अनरेस्ट चल रहा था। ब्रू जो है वो कम्युनिटी वियतनाम, लाओस और थाईलैंड में भी पाई जाती है, लेकिन अभी हमें मिजोरम के बारे में बात करें, तो मिजोरम से वो भाग के त्रिपुरा आ गए थे 1997 में एक अनरेस्ट की वजह से। बहुत सारे मल्टीपल एफर्ट्स लगाए गए ताकि उनको वापस मिजोरम भेजा जा सके, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब ब्रू पैक्ट के बारे में बात करेंगे, तो एक पैक्ट है ब्रू का, यहाँ पे ये बोला गया कि 33,000 रेफ्यूजी को हम लोग वापस त्रिपुरा से मिजोरम भेजेंगे। लेकिन यहाँ पे और ये जो भेजने का काम होगा ये करेगा कौन, तो ये होगा किसके द्वारा, ये होगा हमारे जो सेंटर के द्वारा होगा, और इसमें बहुत सारे बेनिफिट दिए जाएंगे प्लस कुछ कैश असिस्टेंट दिया जाएगा, अगर ये चीज़ को हम फॉलो करके चलते हैं। अब डू यू नो में जो बताया गया, तो ये बताया गया कि इसमें तो कुछ कुछ जो ऑल बेनिफिट्स का जो टर्म है कि ऑल बेनिफिट्स दिया जाएगा, तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट के बारे में गिनाया गया है। जैसे यह एक MBDPF लीडरशिप, अब MBDPF क्या होता है, तो देखेंगे मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस पीपल फोरम, तो ऐसा एक टोटल इन लोगों का लीडर होगा जो कि ये लोग का दिक्कत को देखेगा और फिर वो गवर्नमेंट तक लेके जाएगा। तो ये बहुत सही चीज़ है, यहाँ पे उन लोग के लिए है। यहाँ पे बोला है कि 5,407 ऐसे फैमिलीज हैं जिनको कि 5,000 रुपये पर महीने दिए जाएंगे और फ्री का राशन मिलेगा 2 साल के लिए। यहाँ पे ये भी है कि हाउस बिल्ड करने के लिए कुछ असिस्टेंस है, और वो असिस्टेंस है 1.5 लाख रुपये का, तो 1.5 लाख रुपये इन लोगों को हाउस बिल्ड करने के दिया जाएगा। एक और इन लोगों को 4 लाख रुपये हर फैमिली को दिया जाएगा, और फैमिली के हेड के नाम से दिया जाएगा कि कुछ और अगर दिक्कत है, इमरजेंसी का केसेस होता है, तो 4 लाख रुपये का वो लोग यूज़ कर सकेंगे। और अभी तक देखा जा रहा है कि 8,000 ऐसे रिफ्यूजीज़ हैं जो कि 1997 से लेकर आज तक भेजे जा चुके हैं, और इनको टोटल 6 बैचेज़ में भेजा गया है। अब यहाँ पे एक और अच्छा आर्टिकल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा, तो वहाँ पे हम लोग जानेंगे यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या रिलेटेड है। तो न्यूज़ में ये चल रहा है कि रिसर्च हो रही है किसके ऊपर, कि प्लांट्स जो है वो अपना नाइट्रोजन खुद से फिक्स कर सकें, ठीक है, ताकि वो लोग क्लोरोफिल बना सकें। देखिए क्लोरोफिल आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होता है। अब क्लोरोफिल के लिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो प्लांट खुद से नहीं एटमोसफेयर से डिराइव कर सकता, तो उसका कोई ना कोई उपाय होगा। देखिएगा खेतों में यूरिया दिया जाता है, यूरिया इज़ अ फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन विच इज़ गिवन टू द प्लांट्स सो दैट दे कैन एक्सट्रैक्ट इट। और यहाँ पे और भी बोला गया कि कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो कि ये चीज़ एक्सट्रैक्ट कर सके, पर एक सबसेट है बैक्टीरिया का। देखिए बैक्टीरिया बहुत बड़ा टर्म हो जाता है, बैक्टीरिया जब हम लोग बोलते हैं तो एक सबसेट मतलब उसका छोटा सा हिस्सा है, इसका कैनोबैक्टीरिया उसको कहते हैं। तो कैनोबैक्टीरिया जो है वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को तुरंत फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड कर सकता है। वो भी सारे कैनोबैक्टीरिया नहीं करते हैं, एक कैनोथीन्स बैक्टीरिया होता है, स्पेसिफिक कैनोथीन बैक्टीरिया होता है, स्पेलिंग है CYANOTHEIC, तो काइनोथीस बोलते हैं उसको, काइनोथीस बैक्टीरिया ऐसा है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, ठीक है। और वो किसके द्वारा करता है, तो एक कार्कैंडियन रिदम है, ये कोई एक प्रोसेस है, तो उसके थ्रू करता है, इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये भी है कि देखिए काइनोथीस जो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि सनलाइट को यूज़ करके केमिकल एनर्जी बनाया जाता है, ये केमिकल एनर्जी से फ्यूल बनता है, और इससे क्या होता है, ये जो फोटोसिंथेसिस में एक और चीज़ होता है कि इसमें नाइट्रोजन फिक्स होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्स होने के अलावा रात में क्या होता है कि एक तो नाइट्रोजन फिक्स करके वो लोग प्लांट को देते हैं, और रात में रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन भी रिलीज़ किया जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे और भी कुछ बातें की गई है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि साइंटिस्ट ने भी क्या किया है कि जीन्स निकाला है कहाँ से, काइनोथीन बैक्टीरिया से, ठीक है, जैसे कि वो लोग फिक्स करते थे, और जो टोटल मतलब बैक्टीरिया का सेट है मतलब कैनोबैक्टीरिया, तो उसी में एक और बैक्टीरिया है जिसका कि नाम है
सेनकोटाइस ठीक है, यहाँ पे सेनकोसाइटिस, तो सेनकोसाइटिस के अंदर वो डाला गया है ताकि वो लोग भी अब नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। अब देखिए ये सक्सेसफुल है कि अनसक्सेसफुल है वो तो बाद में पता चलेगा। अब वर्ल्ड हिस्ट्री एथिक्स के ऊपर आज का जो पेपर है ये भी बहुत कम आता है, तो नेल्सन मंडेला का 100वां एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं। अब ये मार्टिन लूथर किंग का एक स्टेटमेंट है कि इफ़ अ मैन डिस्कवर समथिंग ही विल डाई फॉर ही इजेंट इफ अ मैन हैज नॉट डिस्कवर समथिंग ही विल डाई फॉर ही इजेंट फिट टू लिव। तो यहाँ पे ये बोला गया कि एक इंसान तब तक जीने के लिए सक्षम, मतलब उसको जीने का हक नहीं है जब तक उनको पता नहीं कि उनको मरना किस चीज़ के लिए, ठीक है, तो उनके लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट हो जिसके लोग मर सकें, तो वो जो चीज़ है वो इंसान को जीने लायक बनाता है। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग इसका यही दिया हुआ है, मीनिंग के ऊपर एक्सपैंड करके यहाँ पे बोला गया कि हम लोग क्या चीज़ को वैल्यू करते हैं। और ऐसा ही कुछ ट्रेजर जो है, ऐसा ही कुछ पावर जो है वो दिखाता है एक एनी फ्रैंक का, क्या आई वॉन्ट टू लिव इवन आफ्टर डेथ। तो ये एक सेंटेंस है एनी फ्रैंक का जो बुक है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, पढ़ा हुआ आपने अगर, वो CBSE के सिलेबस में भी होता है, बहुत अच्छी किताब है, अगर आपने यहीं पढ़ा हुआ तो पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल है उसमें ये दिया है कि आई वॉन्ट टू लिव इवन आफ्टर डेथ। तो ये जो चीज़ है ना ये एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आदमी इसके लिए मर सकता है, ये चीज़ है एक आइडियल एग्जाम्पल ऐसे थाट का। अब अगर हम लोग मंडेला को, सॉरी नेल्सन मंडेला को हम लोग रिमेंबर करें, यहाँ पे मंडेला क्यों लिखा हुआ मुझे नहीं पता, नेल्सन मंडेला को हम रिमेंबर करते हैं, तो यहाँ पे ये कि ये एक ऐसा इंसान है, ऐसे इंसान है जो कि अपना हमेशा एफर्ट डालेगी किस तरह से एक आइडियल सोसाइटी बन सके। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो पेटोरिया एक जगह का नाम है, ठीक है, पेटोरिया यहाँ पे कैपिटल है हमारा साउथ अमेरिका का, तो साउथ अमेरिका में क्योंकि वहाँ पे अपार्थिड चल रहा था तो उसी के बारे में यहाँ पे सब है। नेल्सन मंडेला वहीं पर उठ के आए थे, तो यहाँ पे 1964 में जब पेटोरिया में ये आए तो यहाँ पे ये पता चला कि ऐसा है कि ये लोग हमेशा, मतलब ये इन लोग का स्ट्रगल था कि किस तरह से अफ्रीकन पीपल को उन लोग का जो डोमिनेशन स्टेटस होता है, वाइट उन लोग को डोमिनेट किए हुए थे ब्लैक को हमेशा से, तो ये था इन लोग का दिमाग में कि हम लोग को उन लोग को वहाँ से निकालना है, ठीक है, सही सब सिचुएशन कर देना है। तो यहाँ पे ये था कि हर किसी से आगे ये डेमोक्रेसी के लिए लड़े एक प्लूरल सोसाइटी में। यहाँ पे क्या की ये जब ऐसा हुआ कि जब ब्लैक वापस पावर में आए, फिर बेसिकली ये जब पावर में आए तो ये क्या किए कि ऐसे नहीं थे कि वो वाइट से बदला लेने चल गए, इन्होंने ये कहा कि हम लोग वाइट और ब्लैक दोनों साथ में मिल के रह सकते हैं, ठीक है, साथ में मिल के रह सकते हैं, हम लोग को ज़रूरी नहीं कि लड़ना, ये तो हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है यहाँ पे। तो वो लोग एक हारमोनी बनाने की कोशिश की डेमोक्रेसी के लिए वो लोग लड़े। अब थोड़ा सा और आगे जानेंगे तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला जो है उनको बोला जाता है कि ये एक ऐसा इंसान है जिसको कि मतलब आप याद कर सकते हो, यहाँ पे बहुत इनके अंदर ऐसा चीज़ था जो कि हम लोग को वहाँ से लेके हम लोग को खुद के लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एथिक्स के पेपर में इसके बारे में आराम से लिख सकते हो। यहाँ पे एक एक्सपैंड आवर कैपेसिटी टू रीथिंक पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ एन एथिक्स ऑफ एम्पैथी, अ पॉलिटिक्स ऑफ फॉरगिवनेस एंड अ रेवोल्यूशन ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पे बहुत कुछ बोला गया, पॉलिटिक्स ऑफ फॉरगिवनेस का मीनिंग बहुत ज़्यादा है कि पॉलिटिक्स ऐसा कीजिए आप कि यहाँ पे आप फॉरगिव कीजिए लोगों को, पॉलिटिक्स को आप हमेशा एथिक्स और एम्पैथी के ऊपर देखिए, और यहाँ पे रिवॉल्यूशन देखिए, आप वैल्यूज़ को किस तरह से वापस से चेंज करते हो, लोगों के अंदर अच्छे वैल्यूज़ डालते हो, तो वो पॉलिटिक्स का काम है, हम लोग का जो पॉलिटिक्स होता है वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अब मंडेला का लेगेसी हम लोग देखें कि मंडेला का लाइफ टाइम किस तरह से यहाँ पे चीज़ है। तो एरिस्टोटल जो कि बहुत बड़े फिलोसोफर, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, तो उन्होंने कहा था अगर आप ह्यूमन बीइंग हो तो उन्होंने दो डेफिनेशन दिया था, वहाँ पे सिंगल यहाँ पे कुछ वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे बोला कि पहला तो एक पॉलिटिकल बीइंग होना आपको, और सेकेंड है कि आपको एक एंडोर्ड विद स्पीच होना है कि आपको बोल के दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से आप मतलब चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको एक्सप्रेस करना हो चीज़ों को। तो यहाँ पे मंडेला जो है अपना एंटी अपार्थिड प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम जो था उनका अपार्थिड के अगेंस्ट, तो उसमें देखिएगा कि ये दोनों ही चीज़ उन्होंने शो किया। पहले तो यहाँ पे ये बोला गया उनका ये मानना था कि फ्रीडम जो है उस स्पीच के बिना मतलब नहीं हम लोग पा सकते, हम लोग अगर बोलेंगे तो फिर उनको फ्रीडम मिलेगा, ठीक है, और वायलेंस जो है वो स्पीच को ख़त्म कर देता, तो अब बोली अगर आप लड़िएगा तो बोल नहीं पाइएगा। तो यहाँ पे ये दो चीज़ के बीच उनको बैलेंस बना के चलना था कि किस तरह से वायलेंस ना हो और किस तरह से बस लोग बोल के जो अपना फ्रीडम है उसको ले सकें। तो ग्रीक में इस सिचुएशन को पेरिजिया के भी कहा जाता है, और बेसिकली हम लोग को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये दिखाता है कि किस तरह से मतलब मंडेला आगे बढ़े, और मंडेला के बारे में सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, मैं मंडेला ही बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा मिस्टेक है, नहीं बोलना चाहिए ऐसा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये दिया कि ब्लैक जो है उनको उस समय ऐसा सिचुएशन जब अपार्थिड चल रहा था
तो उनको पूछने का कोई हक नहीं था, वो लोग पूछ नहीं सकते थे कि ऐसा क्यों, ठीक है। तो लर्निंग का जो प्रोसेस था आप पूछ नहीं सकते हो, आप बस इमिटेट कर सकते हो उनको, आप दिमाग में सोच सकते हो कि यह हो सकता है, ठीक है, या फिर एम्यूलेट कर सकते हो, आप वो जो कर रहे हो वो आप करके ट्राई कर सकते हो कि हाँ ये ऐसा होता है कि नहीं। तो वही दो चीज़ आप कर सकते हो, आप क्वेश्चंस नहीं आस्क कर सकते हो। यहाँ पे जो मंडेला का पॉलिटिकल फ्यूचर है वो कब स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहला बस बॉयकॉट था 1940s का अलेक्जेंड्रा में, जो कि वो भी एक जगह है, और दूसरा तो वो वाल्टर सिसुलू से मिले, ठीक है, सिसुलू से मिले। वाल्टर सिसुलू जो है वो क्या कि वो एक बहुत बड़े अफ्रीकन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे एक्टिविस्ट को इन्फ्लुएंस किया, एएनसी को, एएनसी मतलब जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है उनके मेंबर्स को इन्फ्लुएंस किया, और उन्होंने बोला कि आप अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग बनाइए, ठीक है, 1944 में, तो बन के रेडी हुआ। अब कुछ और टर्निंग पॉइंट है इनके, तो पहले तो एक शार्पविल मसैकर है, जो कि इनके लाइफ में ऐसा था कि अफ्रीकन के जो डेमोन्स्ट्रेटर थे उस समय कि अफ्रीका में जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, जैसे हम लोगों को जलियां वाला बाग मसैकर था वैसे कुछ सेम टाइप का था, तो यहाँ पे हज़ारों लोग उस समय मरे, ठीक है, और बहुत ANC और पैन अफ्रीकन कांग्रेस को बैन कर दिया गया, मतलब दो तरह की उसमें पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज, तो उन दोनों को बैन कर दिया गया। अब यहाँ पे ये बोले कि जो मंडेला है वो सोचे कि हम अंडरग्राउंड चल जाते हैं और एक नया आर्म्ड विंग बनाते हैं, ठीक है, आर्म्ड विंग मतलब वो लोग जो हथियार कैरी करते हो, उनका नाम था उखमोंतो वी सिज़वे, ठीक है, इसका मीनिंग है स्पीयर ऑफ द नेशन। तो स्पीयर क्या होता है, भाला को स्पीयर कहते हैं, स्पीयर ऑफ द नेशन। अब यहाँ पे मंडेला का आँख में ये था, मतलब वो ये सोच रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं, ANC को एक वॉलेंट ऑर्गेनाइजेशन में टर्न कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर हम लोग दोस्ती का हाथ बढ़ा लेंगे। लेकिन ये उनका अभी तक का सबसे बड़ा मिस्टेक था, ये उनका मानना है कि ये जो है मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक है आज तक का, कि हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो दूसरा सबसे सेकंड मेमोरेबल यहाँ पे बोला गया कि एक लाइफ का सिचुएशन तब आया था जब वो प्रेसिडेंट बने 1994 में, पहला डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बने, ब्लैक अफ्रीकन प्रेसिडेंट बने, और उनका जो क्लैन नेम था तो वो मदीबा था, आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि उनका क्लैन नेम मदीबा था, उनको बहुत हीरोइक स्टेटस दिया हुआ था कि एक हीरो के तरह से वो हैं, और यहाँ पे आप जो उनके बारे में पढ़ रहे हो तो आपको भी लग रहा हो कि नहीं एक हीरो के तरह वो तो हैं ही। यहाँ पे रेलेवेंस उनको थोड़ा सा रिलेवेट किया गया, यहाँ पे देखेंगे कि वो एक एक्टिविस्ट रहें, एक प्रिजनर रहें, एक लीडर रहें गवर्नमेंट में, ठीक है, और यहाँ पे ये कि कभी भी अपने मोरल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये कभी भूले नहीं और ये हमेशा एक्सलेंस की तरफ भागे हैं। डेथ जो कि उनका December 5, 2013 में हुआ, उसके बावजूद वो एक ग्लोबल फिगर बन गए, ठीक है, और एक ऐसा इंसान बन गए जो कि हमेशा पॉलिटिक्स में एक्सलेंस दिखाने का काम करता है। अब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 100th एनिवर्सरी हो रहा है इनका, तो 100th एनिवर्सरी है ये, इस वजह से नहीं है कि हम लोग अपना मतलब टाइम ले रहे हैं, ठीक है, ये इस वजह से क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जो कि पॉलिटिक्स को सही किए हैं, और अगर इनको देख के अगर आदमी बढ़ना चालू करे तो एक नॉन वायलेंट परसूट लेके आया जा सकता है कि हर लोग का भला हो और हर कोई खुश रह सकता है, ठीक है। अब आज का क्वेश्चन ये है कि गिवन बिलो आर द टू कोटेशंस ऑफ मोरल थिंकर्स फिलोसोफर्स फॉर ईच ऑफ दीज ब्रिंग आउट व्हाट इट मींस टू यू इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। पहला ये है स्टेटमेंट कि इफ अ मैन हैजंट डिस्कवर्ड समथिंग ही विल डाई फॉर ही इज अनफिट टू लिव, पहला ये है। फिर दूसरा ये है कि फ्रीडम कैन नॉट बी स्पीचलेस व्हाइल वॉलेस इज इनकेपेबल ऑफ स्पीच। तो दोनों आज डिस्कस किया, आप लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या है। सेकंड आज ये डिस्कस मतलब क्वेश्चन ये है कि डिस्कस द लीगेसी ऑफ नेल्सन मंडेला एज अ चैंपियन ऑफ अ पॉलिटिक्स ऑफ एक्सीलेंस नॉन वायलेंस परसूट ऑफ पब्लिक हैप्पीनेस एंड पीस मेकिंग गवर्नेंस। तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड हेल्थ और नेशन के ऊपर है आज का टॉपिक, और क्या भारत के फूड जो वो क्लीन है, तो इसमें वही चीज़ है फॉर्मेलिन वाला बात है कि मछली जो है उसमें आपको पता चला था रिसेंटली तमिलनाडु में एक रैकेट सरफेस हुआ था कि मछली जो है उसमें फॉर्मेलिन का यूज़ किया था। फॉर्मेलिन क्या है, एक कार्सिनोजेनिक केमिकल है जो कि मोस्टली हम बेसिकली में क्या करते हैं, कोई जो लाश होता है उसको बचाने के लिए यूज़ करते हैं। इसको मोस्टली हम लोग लैब्स में या फिर बायोलॉजी लैब्स में देखिएगा मोस्टली इसको देखा जाता है। एक कोई भी सैंपल जो होता है वो एक वाटर में डुबाया हुआ रहता है, बहुत दिन तक चलता है, वो जो वाटर वाटर नहीं होता है बेसिकली में, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो 30-40% वाटर में मिला करके उसको रखा जाता है, जिसको ये मतलब फॉर्मेलिन कहते हैं। फॉर्मेलिन क्या होता है, यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है, तो फॉर्मेल्डिहाइड से डेराइव होता है। 37-40% जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसको वाटर में मिला के हम लोग फॉर्मेलिन बनाते हैं। फॉर्मेलिन जो है उसको फिश को प्रिजर्व करने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि फिश जो है वो जल्दी ख़राब हो सकता है। और यहाँ पे ऐसा है कि मतलब आप ऐसा भी नहीं है कि इसको फाइंड करना बहुत आसान है कि कोई देखा और बता दिया नहीं फिश में फॉर्मेलिन है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। अब ये फॉर्मेलिन कैसे अफेक्ट करता है ह्यूमन को, ये काफ़ी खतरनाक मतलब डरावना हो सकता है आपके लिए। ऑफकोर्स ये जो चीज़ है यहाँ पे डेटा दिया हुआ बहुत गजब का है, यहाँ पे ये कि अगर 30 मिलीलीटर आदमी फॉर्मेलिन पी लेता है, ठीक है, फॉर्मेलिन वैसा क्या कि उसमें मतलब एक सॉल्यूशन पीता, कोई भी सॉल्यूशन, सपोज़ कि आप पानी पी रहे हो, ठीक है,
30 मिलीलीटर पानी पीते हो और उस पानी में 37% फॉर्मलिन है, तो अगर आप टोटल एडल्ट हो फिर तब तो भी आप मर सकते हो, ठीक है। तो इतना पावरफुल होता है वो। यहाँ पे ये है कि अगर इसको खा लिया जाए तो फॉर्मलिन जो है वो टॉक्सिन्स क्रिएट करता है बॉडी में, और यहाँ क्या हो सकता है कि आपका जो स्टोमक है, स्टोमक में आपका कैंसर हो सकता है, ऑफकोर्स आपका जो वॉल्स होता है स्टमक का वहाँ पर कैंसर हो सकता है। यहाँ पे बोला है कि अगर थोड़ा सा भी आप इसमें फॉर्मलिन जो है वो आप इनहेल कर लेते हो, थोड़ा सा भी फॉर्मलिन इनहेल कर लेते हो, तो इसमें कंडीशन क्या होगा, आपको निमोनिया हो सकता है या फिर ब्रोंकाइटिस हो सकता है, दोनों ऑफ कोर्स आपका अपर बॉडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो है। यहाँ पे फॉर्मलिन जो है अब एयर लेवल में कितना होना चाहिए तो कैसा सिचुएशन हो जाएगा, अगर नॉर्मली कम है तो ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है कि पार्ट्स पर मिलियन, तो PPM जो होता है वो पार्ट्स पर मिलियन होता है, तो अब सपोज़ कीजिए कि एक छोटा सा चीज़ है, ठीक है, उसको लोग 1000 पार्टों में बांट, मतलब मिलियन पार्ट में बांट रहे हैं, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 लाख पार्ट में बांट रहे हैं, तो उसका 0.1 PPM, मतलब अगर बताना चाहूँ मैं तो अगर 1 करोड़ हिस्सा कोई भी आप एक चीज़ का करते हो तो उसका एक हिस्सा भी अगर फॉर्मलिन रहता है, अगर एक हिस्सा 1 करोड़ में से एक हिस्सा भी अगर फॉर्मलिन है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका आँख में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, नोज और थ्रेट में बहुत बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, यहाँ पे कफ और स्नीज हो सकता है, और ऑफकोर्स आपका स्किन में भी इरिटेशन हो सकता है। यहाँ पे ये बोला गया कि अगर फॉर्मलिन स्टमक तक जाता है, यहाँ पे स्टमक एक हो सकता है, नौजिया हो सकता है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स अगर आप फिश और वेजिटेबल जो कि फॉर्मलिन से ट्रीटेड उसको आप कुक भी कर दोगे फिर भी ये बाज नहीं आएगा, मतलब ये आपको पेट में जाकर टॉक्सिन रिलीज करेगा ही। यहाँ पे अब जो हम लोग मछली जो हम लोग पीछे देख रहे थे कि फॉर्मलिन जो पाया जाए मछली में, वो आपको थोड़ा डरावना लग रहा होगा, तो डू यू नो में देखेंगे FASSAI जो है, जो हमारा फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FASSAI, तो ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट है इनका डिफिनेशन एडल्टरिंग का क्या होता है, उसमें ये बोलें कि द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस टू और फ्रॉम फूड सो दैट द नेचुरल कंपोजिशन एंड द क्वालिटी ऑफ द फूड इज़ अफेक्टेड। तो बोला गया कि अगर हम लोग कुछ भी खाने के सामान से कुछ जोड़ते हैं या फिर कुछ घटाते हैं इस प्रकार की, उसका कंपोजिशन मतलब उसमें कितना कितना होना चाहिए वो, और उसका क्वालिटी को डिस्टर्बेंस हो, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो एक एडल्टरेट फूड है। फूड एडल्ट्रेशन जो है वो बेसिकली इंटेंशनली किया जाता है, वहाँ पे अगर वॉल्यूम आपको बढ़ाना हो, थोड़ा टेक्सचर अच्छा करना हो, टेस्ट बढ़िया करना हो, स्टेबिलिटी करना हो, तो अब किया जाता है यहाँ पे, या फिर केयरलेसनेस के द्वारा भी हो सकता है, अगर हमें कोई चीज़ कहीं रख दे बहुत दिन तक फालतू का पड़ा हुआ है तो वो भी ख़राब हो सकता है, ऑफकोर्स वो एडल्ट्रेट हो सकता है अपने आप, या फिर कोई दो सामान पर लोग बोल पर रख दिएगा तो उन्हें मिल जाएगा, तो इस तरह का चीज़ हो सकता है। यहाँ पे ये भी बोला कि अगर रिसेंट हम लोग थोड़ा फिगर्स को देखें, डेटा देखें, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि 2016-17 में जो सैंपल है उसमें बोला जाता है कि अगर 4 हम लोग सामान लेते खाने का तो उसमें से एक जो है वो एडल्ट्रेट है। यहाँ पे ये भी बोला गया कि जो परसेंटेज एडल्ट्रेशन का, कितना मिलावट हो रहा है उसका परसेंटेज, वही बहुत बढ़ गया है, तो पहले 19.5% 2014-15 में वो बढ़ गया कि 23.4% हो गया 2016-17 में। अब एडल्ट्रेशन जो है वो एक कंसर्न क्यों है, ये यहाँ पे बात है, तो यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि ये तो एक तो बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है, किस तरह से हम लोग अपना लाइफ को चलाते हैं, फूड एक बहुत बड़ा बेसिक नेसेसिटी है, तो हम लोग बिना फूड के रह नहीं सकते, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फूड एडल्ट्रेशन कंसर्न क्यों है। दूसरा ये कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोल रहा है कि हम लोग को ऐसा चीज़ खाना चाहिए, मतलब बिना पेस्टिसाइड और बिना इंसेक्टिसाइड का चीज़ जो है फंडामेंटल राइट है, तो हम लोग को मिलना चाहिए, बिना पेस्टिसाइड का जो सामान है, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम लोग कुछ खाते हैं, जो खा रहे हैं, ऑफकोर्स देखिए ये सब जो चीज़ें धीरे धीरे हम लोग फूड चेन में एंटर कर रहा है, तो हम लोग जो खा रहे हैं ना उसी की वजह से ये माना जाता है कि किडनी, लीवर डिजीज़, डायबिटीज़ और कैंसर जो है वो हम लोग कंट्री में और बढ़ के आ रहा है। नोट जो है ये वो ये कि FASSAI जो ऑटोनॉमस बॉडी, मतलब इसके ऊपर किसी का ताकत नहीं चलता, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, और ये जो है ये फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंदर भी मतलब आता है, ये उसका एक पार्ट है। यहाँ पे उनका ये काम है कि FASSAI जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस तरह से हम लोग प्रोटेक्ट करते, प्रमोट करते पब्लिक हेल्थ को, और किस तरह से रेगुलेशन सुपरविजन हो रहा है। अब इश्यूज़ क्या क्या है, यहाँ पे फॉर्मलिन को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे कुछ बड़ा स्टेप्स नहीं उठाया गया, हम लोग सीधे बैन कर दिए कि वहाँ से मछली नहीं लेके आना उस स्टेट से, जहाँ भी थोड़ा मतलब पता चला कि केरला से ऑफकोर्स आ रहा था, तो केरला में कि तमिलनाडु का जो मछली हो केरला नहीं जाएगा, केरला का जो मछली हो तमिलनाडु नहीं जाएगा, तो सॉरी तमिलनाडु में पता चला था कि मछली में ये फॉर्मलिन है, और ये केरला में पता चला था, तमिलनाडु से मछली आया था, तमिलनाडु का मछली जो बैन कर दिया गया अभी केरला में, तो उस तरह का सिचुएशन किया गया। हम लोग देखना नहीं चाहते कि कहाँ से दिक्कत उठ के आ रहा, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पता नहीं करना चाह रहे। अब यहाँ पे ऐसा लेवल में पहुँच चुका है, इस तरह का डेंजरस लेवल में पहुँच चुका है कि कुछ भी अगर आप खा रहे हो तो उसमें आपको एडल्ट्रेशन जो है वो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है।
अब जो इतना ज़्यादा हम टॉक्सिक केमिकल और कलर्स जो यूज़ करते हैं वो आज के समय में जो हेल्थ है उसको खराब ख़त्म कर रहा है। और इसी तरह की कुछ बातें मतलब ऊपर ऊपर की गई हैं, यहाँ पे सब कुछ वही है। यहाँ पे ये बताया कि फूड एंड सेफ्टी एक्ट जो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है 2006 का, वो किसको रिप्लेस करके आया, तो रिप्लेस किया प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 को। अब ये जो एक्ट था 1954 वाला वो बहुत कड़ था। इसमें क्या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी क्लॉज था कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन था स्पेशल यहाँ पे आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे पेनल प्रोविजन थे कि आप लोग को जेल होने वाला है। लेकिन ये जब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 आया तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो पहले तो ये लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट वाला हटा दिया गया, पेनल्टीज़ को हमेशा ये जो पैसा के साथ तोल दिया गया कि आप पैसा देकर के आप छूट सकते हो, और मैक्सिमम जो पेनल्टी वो भी 3 महीने से लेकर 6 साल तक का, वो उससे ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये बहुत डिल्यूट हो गया कि आज के समय में आपको देखने को मिलेगा कि इतना सब कुछ यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। वे हेड ये कि हम लोग को, हाँ ऑफकोर्स यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात किया गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल के आने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि उसको पास कर देना चाहिए। उसको पास के बाद हम लोग देखेंगे कि जो एडल्ट्रेशन है वो ऑफकोर्स कम हो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो बिल है इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है कि हम लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है। तो ये सब चीज़ के बारे में यहाँ बोला गया। अब आज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फूड एडल्ट्रेशन, हाउ फार हैज़ द गवर्नमेंट फेयर्ड इन क्रैकिंग डाउन दिस मेनेंस एंड इशूज इन्वॉल्व विद इट डिस्कस। तो ये आज का क्वेश्चन था। अब जो टेस्टिंग नॉलेज का जो क्वेश्चन है, देखिए अब दोस्तों आप तो आंसर करते नहीं हो, कोई यहाँ पे कमेंट सेक्शन में नहीं बताते कि क्या आंसर होने वाला है। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन मैं बता दूंगा हर किसी को। आप लोग घर जाइए, आप लोग को अगर लिखना होगा नीचे कमेंट सेक्शन में तो लिख दिएगा, वरना कल का जो डिस्कशन होगा उसके स्टार्टिंग में बताऊंगा कि इसका क्या क्वेश्चन के क्या क्या आंसर होंगे। तो पहला ये कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे बॉडी है, पहला UPSC, सेकंड फाइनेंस कमीशन, थर्ड है CAG, फोर है CICA, फिफ्थ है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो आपको पता नहीं इसमें से कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। देखिए दो तीन तरह के बॉडीज़ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल होता है ऊपर से, एक आपको पता रहता है कि ये होता है स्टेट्यूटरी बॉडी होती है। तो ऑफकोर्स दो टाइप की बॉडीज़ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वो बॉडी होती है जो कि कोई भी एक्ट से अपना पावर नहीं डिराइव करती है, बात ध्यान में रखिएगा, और एक स्टेट्यूटरी बॉडी होती है जो कि कोई एक्ट से पावर डिराइव करती है। अगर आपको मतलब जानना हो तो आप ये ऑफकोर्स अभी आप सर्च कर सकते हो, विकिपीडिया का फर्स्ट लाइन में आपको मिल जाएगा कि स्टेट्यूटरी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल है हर किसी का। चलिए सेकंड ये कि यहाँ पे कौन सा एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो की है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन CIC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और फाइनेंस कमीशन। तो इसमें आपको बताने कौन सा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। थर्ड ये कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन सिस्टम CIC। तो यहाँ पे ये बताना कि CIC जो है वो कंस्टिट्यूट किया गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर। सेकंड ये कि जो ज्यूरिडिक्शन है वो यहाँ पे ये बोला है कि सारा पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि हर किसी के ऊपर होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि कमीशन जो है प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट सबमिट करती है, कि जो भी रिपोर्ट है प्रेसिडेंट को देती है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे कौन से ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकता है, तो एनाबेनिया, नोस्टॉक, एजोटोबैक्टर और एक सोडोमोनास। तो आपको बताना इसमें से कौन सा जो है वो सही आंसर है। ये तो आपको मिल जाएगा गूगल में, हर ही आंसर आपको मिल जाएगा आप चाहें तो। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों आज का जो वीडियो हो चुका खत्म। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो वीडियो डिसलाइक कर सकते, डिसलाइक क्यों किया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।